शाली के प्यार में युवक बना हत्यारा, पत्नी सहित शाली की कर दी हत्या। घटना के बारे में भले ही आपको सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा, परंतु घटना हकीकत है। जी हाँ, घटना धनसार थाना क्षेत्र का है, जहां अनिल डोम ने अपनी पत्नी के रहते शाली से प्रेम कर बैठा, जिसका विरोध पत्नी सहित ससुराल के अन्य लोग कर रहे थे। शराब के नशे में उसने अपनी पत्नी एवं शाली को घसीटते हुए बाहर लाया और दोनों को चाकू से गोद गोद कर मार डाला। हत्या कर वह फरार हो गया। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी, उसे पकड़ने का प्रयास कर रही थी। अंततः बोकारो से हत्यारा को हथियार के साथ पकड़ लिया गया है। आज इसकी जानकारी देते हुए डीएसपी अरविंद सिन्हा ने कहा, एक घटना घटी थी जिसमें एक व्यक्ति अपनी गर्भवती महिला को चाकू मारा था, साथ में अपनी साली और साथ में सास को भी चाकू मारा था। इसमें गंभीर रूप से उनकी पत्नी अंजलि देवी घायल हो गई थी, जो इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। इसके उपरांत ये अनिल डोम, इसके बाद ये फिरार चल रहा है। इसके लिए फिर टीम बनाकर कंटिन्यूस छापेमारी की गई, इसके बाद इसको पकड़ कर लाया गया और इसके निशानदेही पर वो चाकू जिसके द्वारा अपनी पत्नी और साली को चाकू से गोदा था, वो बरामद कर लिया गया है। हत्या का कारण अभी प्रारंभिक जो शुरुआती जांच है उसमें ये पता चल रहा है कि ये एक तरफा अपनी साली को पसंद कर रहा था और इसीलिए वो चाहता था कि उसको हम रखें, पर इसके घर में विरोध हो रहा है और उसने फिलहाल कुछ नशा में भी थे हालात में भी था और उसी अवस्था में ये लगभग 4:30 बजे बीच रोड में घर के जो बगल में है रोड पे वहाँ पर निकाल कर घसीटते हुए अपनी वाइफ को चाकू गोद कर जख्मी कर दिया था। बाद में ये इलाज के क्रम इनकी मृत्यु हो गई। इनके साथ और कोई थे कि अकेले थे? नहीं, अकेले था। बाकी अनुसंधान के दौरान आगे अगर कोई और तथ्य आएगा तो उसके हिसाब से उसमें काम किया जाएगा। टीम में कौन कौन लोग शामिल? इसका नेतृत्व करता हमारे थाना पारवारी धनसार और रविंद्र कुमार, राजेश कुमार और गौतम कुमार और अन्य पदाधिकारी और पुलिसकर्मी।